हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावीज रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं व्रत की मीठी कचौरी। अगर आप भी व्रत में नमक ना खाते हो तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इस कचौरी के लिए यहाँ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, ये 1 बाउल नारियल लिया है, फ्रेश कोकोनट है जिसे मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, फिर यहाँ नमक लिया है, ये ऑप्शनल है, ये ड्राई फ्रूट्स है कुछ कटे हुए, ये 3 बड़े चम्मच साबुदाना का पाउडर है, फिर आधा छोटा चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच खसखस, और ये 2 इलायची है जिसे मैंने छील कर कूट लिया है, और ये दही है जिसका हम डिप बनाएंगे। अब पैन में ये घी डाल लेंगे, इसी में ड्राई फ्रूट्स डालकर रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये जो खसखस जिसे पॉपी सीड बोलते हैं, ये थोड़ा सा डालकर भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये नारियल पूरा, और इसे भी भूनना है, इसे लगभग हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। ये मैंने 10 कचौरी के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे इलायची, इलायची ऑप्शनल है टोटली, आप खाते हो व्रत में तो डालिए, नहीं खाते हो तो मत डालिए। इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच शक्कर, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, ऑप्शनल है टोटली। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह 2-3 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से। अगर बाई चांस भी आपकी शुगर मेल्ट नहीं हो रही हो तो इसमें आप 1-2 छोटे चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं जिससे शुगर मेल्ट हो जाएगी, इतना काफी है। अब इसे ढक कर रख देंगे साइड में। अब यहाँ देखिए ये आलू छील लेंगे, ये आलू को छील कर हमें घसना है, इसे कद्दूकस करना है, तो इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये कचौरियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, और आप अगर व्रत में इसे बनाकर खाएंगे, ये मीठी होती है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ता है, तो ये काफी एनर्जी देंगी आपको। ये सारा आलू कद्दूकस करके हो गया है, इसमें अब ये साबुदाना का पाउडर डालेंगे। ये साबुदाना का पाउडर मतलब सूखा साबुदाना, उसे ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से और मिक्सर में, और इसमें डालेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ये सेंधा नमक डाला है, मैंने जैसे कहा था नमक ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में खाते हो तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे 5 मिनट तक ढक के साइड में रख देंगे, ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से साबुदाने ने थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर था आलू का वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये देखिए ये पेस्ट जो फिलिंग है हमारी, ये पूरी तरह से रेडी है, ये देखिए इस तरह की हो गई है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये आलू और जो साबुदाना का पेस्ट है इसका थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लेंगे, आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं अगर स्टिकी लग रहा हो तो। ये देखिए इस तरह से इसमें बीच में सेंटर में ऐसे एक स्पेस बनाकर उसमें हम फिलिंग भरेंगे। फिलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें फिल करना है। अगर ये जो फिलिंग भर रहे हैं हम, इसमें अगर आपकी शुगर थोड़ी बहुत भी अगर अक्खी रह गई होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तब वो मेल्ट हो जाएगी। देखिए फिलिंग भर के इसके सारे साइड्स पकड़ के इस तरह ऐसे जॉइंट करके पैक कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, देखिए जॉइंट भी हो गया, और आलू सॉफ्ट है तो वो जैसा शेप देंगे वैसा शेप ले लेता है। तो देखिए रेडी है एक कचौरी हमारी, इसी तरह सारी कचौरी बना लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी, जितनी इजी है उतनी टेस्टी भी, तो आप जब चाहे तब ये बनाकर खा सकते हैं। देखिए तेल मैंने रखा है गरम करने के लिए, इसमें कचौरियां से डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और याद रखिए ये कचौरियां मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। इस स्टेज पर फ्राई करते हुए अगर कचौरी की फिलिंग में थोड़ी भी चीनी अक्खी खड़ी रह गई हो तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए सारी कचौरियां बनकर बिल्कुल रेडी हैं।
ये कचौरियाँ दिखने में जितनी टेस्टी है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती हैं। और आप सिर्फ व्रत में नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी बनाकर ये खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है कचौरियाँ। अब ये कचौरी हम दही के डिप के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए, जो दही लिया था हमने, इसमें शक्कर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल रेडी है ये हमारी कचौरियाँ, व्रत की मीठी कचौरी बनकर। तो देखिए, ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक